मम्मा चुन्नी ना। हॉन्टेड डॉल्स यानी भूतिया गुड़िया हैं। वैसे तो इस दुनिया में कई स्थापित डॉल्स और चीजें मौजूद हैं, जिनमें बुरी आत्माओं का वास है, और इनमें से कई खतरनाक डॉल्स को म्यूजियम में सजोकर भी रखा गया है। लेकिन आज मैं आपको किसी एक डॉल के बारे में नहीं, बल्कि एक ऐसे एलियन के बारे में बताने वाला हूँ, जिस पर डरावनी और भूतिया गुड़ियाओं का ढेरा बसा हुआ है। सन 2001 से पहले ये आइलैंड एक नॉर्मल आइलैंड के जैसा ही था, लेकिन 2001 के बाद ये आइलैंड धीरे धीरे काफी ज्यादा मशहूर होने लगा, और इसकी सबसे बड़ी वजह थी इस आइलैंड पर मौजूद डरावनी और भूतिया गुड़ियाएं। ये आइलैंड मेक्सिको के साउथ में मौजूद है, जिसे ला इस्ला डे ला म्यूनिकस और आइलैंड ऑफ द डेड डॉल्स के नाम से भी जाना जाता है। इस आइलैंड के और पास रहने वाले लोगों का ऐसा मानना है कि इस आइलैंड से किसी लड़की के चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती हैं, और पेड़ों पर लटकी हुई ये डॉल्स एक दूसरे से बातें भी करते हुए सुनाई देती हैं। जहाँ तक के कई लोगों का ऐसा भी कहना है कि कई बार तो इन डॉल्स की आंखों की पुतलियां भी घूम जाती हैं। अब सवाल ये आता है कि इतनी सारी डॉल्स यहाँ पर कैसे पहुँची, और इन डॉल्स को पेड़ों पर किसने लटकाया, और इन्हें लटकाने के पीछे का क्या कारण था। माना जाता है कि डॉन जूलियन सेंटाना बरेरा इस आइलैंड का केयर टेकर हुआ करता था, जो अपने परिवार से अलग होने के बाद इस आइलैंड पर रहता था। एक दिन जूलियन को इस आइलैंड के पास मौजूद नदी में मछली पकड़ते वक्त घायल हालात में एक लड़की दिखाई दी, जिसके बाद जूलियन ने उस लड़की को बाहर निकाला। जूलियन ने उस लड़की को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह उसे नहीं बचा पाया। उसके साथ एक सुंदर डॉल भी बहकर आई थी। जूलियन ने उस डॉल को लड़की की डॉल समझकर उसे एक पेड़ पर लटका दिया और लड़की को दफना दिया। उस घटना के बाद जूलियन के दिमाग पर ऐसा असर हुआ कि उसे रात में इस आइलैंड से लड़की के चिल्लाने और रोने की आवाजें आने लगी, और मुझे अपनी गुड़िया वापस चाहिए, इस तरह की आवाजें लगातार आने लगी थी। इसी वजह से जूलियन ने अपनी मन की शांति के लिए और इन डरावनी आवाजों से बचने के लिए जहाँ कहीं भी उसे डॉल्स मिलती उन्हें उठाकर ले आता और इन पेड़ों पर लटका देता। उस लड़की की मौत के बाद उस नदी में भी बहुत सारी डॉल्स बहकर आने लगी थीं। उन्हें भी जूलियन नदी से निकालकर पेड़ों पर लटकाता चला गया, और धीरे धीरे इस आइलैंड पर हॉन्टेड और भूतिया गुड़ियां इतनी ज्यादा हो गईं कि ये आइलैंड एक हॉन्टेड डॉल आइलैंड की तरह दिखाई देने लगा था। 2001 में जूलियन की मौत भी रहस्यमय तरीके से उसी जगह हुई जहां पर उस लड़की की मौत हुई थी। इस आइलैंड के बारे में लोग कुछ भी कहते रहे, लेकिन वहां की सरकार ने इसे अभी तक हॉन्टेड आइलैंड करार नहीं दिया। इसी वजह से यहां पर हर साल हजारों टूरिस्ट घूमने आते हैं, और उनका ऐसा मानना है कि जब भी हम इस आइलैंड के अंदर जाते हैं तो हमें पैरानॉर्मल एक्टिविटी का एहसास होने लगता है, और ऐसा लगता है मानो हमारे पीछे कोई खड़ा हो। कि आप कभी इस आइलैंड पर घूमने गए हैं कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाना, और आप हमारे इन वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हो जो कि काफी इन्फॉर्मेटिव है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।